हेलो डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो इंपॉर्टेंट होगा जिसका भी 28 फरवरी को एसपी का पेपर है। ठीक है, तो पहली बात तो आपको वीडियो को पूरा देखना है ताकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो आपके क्वेश्चन आंसर है, ब्रीफ क्वेश्चन आंसर या शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, ये जो आपके सामने पीडीएफ दिख रहा है, ये अगर आप पढ़ लेते हो हार्डली ये पूरा पीडीएफ याद करने के लिए आपको 3 से 4 घंटे लगे, डेट मीन्स 3 to 4 आवर अगर आप देते हो तो आप सभी आंसर के पॉइंट्स याद कर लोगे। सर, पॉइंट्स याद करने से क्या होगा और मीनिंग याद करने से क्या होगा? अगर 4 मार्क्स का आंसर है या 5 मार्क्स का आंसर है तो डेफिनेटली आपको 2 या 1 मार्क्स तो इजीली मिल जाएगा। सो रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखो। अब करना क्या है, मोस्टली इसमें जो भी क्वेश्चंस है ना, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप क्या करोगे, सारे के सारे क्वेश्चंस को याद कर लोगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया कॉर्पोरेट फाइनेंस, अब यहाँ पे 2 मीनिंग दिया हुआ है, आप कोई भी एक मीनिंग याद कर लो। अब इसमें क्या दिया है, इंपॉर्टेंस दिया रहेगा फाइनेंशियल प्लानिंग स्टेडल। ठीक है, तो बेसिस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस तुम्हारा फाइनेंशियल डिसीजन क्या आता है, और अभी इसका एक इंपॉर्टेंस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 10 पॉइंट है, 6 पॉइंट अच्छे से याद करो। हम लोग ने ऑलरेडी ना इंपॉर्टेंस वीडियो का वीडियो अपलोड किए हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। इच एंड एवरीथिंग, केस स्टडी, जस्टिफाई आंसर, डिस्टिंग्विश बिटवीन, एच एंड एवरीथिंग, अभी भी आपके पास में मौका है, मौका गवाओ मत। अगर एक बार आप फील कम मार्क्स आते हैं एसपी में तो बहुत कम चांसेस है, और पास होना तो बहुत आसान है बिकॉज 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है, वहीं पर ही आपकी नैया पार लग सकती। तो जिसका भी हम लोग ने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किए हैं, जस्ट आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है। ये पूरा पीडीएफ हम आपको शेयर कर देंगे, आपको सब आंसर का क्या मिल जाएगा, एक शॉर्ट ब्रीफ मिल जाएगा, ये बहुत अच्छा है आपको याद करने के लिए। जैसे कि शेयर्स, शेयर का डेफिनेशन याद करो, इसके फीचर्स याद कर लो, कितना टाइम लग रहा है, मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं लग गया। कितने सारे आंसर है, सभी आंसर के आपको इसी तरह से करना है। ठीक है, तो एक और ले लेते हम लोग, इसमें मेन है डिपॉजिट का भी, फॉर एग्जांपल तो डिपॉजिट में क्या है, टर्म्स एंड कंडीशन, एक्सेप्टेंस, ऐसे 20 पॉइंट है। आप कोई भी 8 ही पॉइंट याद करो, ज़्यादा मत करो, पूरे याद कर लो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फंक्शंस ऑफ सेबी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में 100% आने का चांसेस है। ठीक है, तो देखो कितना इजी शॉर्ट में दिया हुआ रहता है सारी चीज़ें, आपको बहुत इजी है। तो फंक्शंस ऑफ कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जल्दी से मैं आपका वीडियो टाइम नहीं लेना चाहता हूँ, और ये पीडीएफ के लिए आप क्या करोगे, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओ और उसमें से आप याद करना शुरू कर दो। ठीक है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फटाफट याद करो, ताकि कितना भी आप सुनोगे ना मतलब नहीं है, समझने का वक्त नहीं है अब आपके पास में, अब आपको याद करना है मेरे डियर फ्रेंड्स। क्या करना है, याद करने के लिए जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे जब तक काम नहीं चलेगा। तो ये ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चन है सब इम्पोर्टेंट ही है। ठीक है, फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट भी इंपॉर्टेंट है तुम्हारा, तो ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिबेंचर्स हो गया, इंटरम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड आता है एग्जाम में, देन डिपॉजिटर में आ जाते हैं हम लोग, जैसे कि NSGL, डिपॉजिटर इन इंडिया, ठीक है, CDSL, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देन कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ डिपॉजिटर सिस्टम, ऑलमोस्ट ये आने वाले चांस, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ ए डिपॉजिटर सिस्टम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद करके जाओगे आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में। और ग्रुप में ज्वाइंट होने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, टेलीग्राम की भी, व्हाट्सअप की, वहाँ से आप ये सब चीज़ें ले लो और याद कर लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।